एकलव्य। दोस्तों, एकलव्य महाभारत काल के एक श्रेष्ठ धनुषधारी थे। जब द्रोण के पास एकलव्य शिक्षा के लिए गए थे, तब द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद द्रोण को गुरु मानकर एकलव्य ने वन में धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब कौरवों और पांडवों में से किसी को भी शब्द भेदी का बाण चलाना नहीं आता था, तब एकलव्य अपने अभ्यास से ही शब्द भेदी बाण चलाना सीख गए थे। उनकी धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन को भी लगने लगा था कि एकलव्य ही सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी हैं। लेकिन एक समय गुरु दक्षिणा के नाम पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। इसके बाद अंगूठे के बिना भी एकलव्य ने बाण चलाना सीख लिया था। दोस्तों, आधुनिक धनुर्विद्या में अंगूठे के बिना ही बाकी उंगलियों से बाण चलाया जाता था, जिसका आविष्कार सबसे पहले एकलव्य ने ही किया था। एकलव्य इतने शक्तिशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा। एकलव्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अगर एकलव्य का अंगूठा ना कटा होता तो एकलव्य दूसरा परशुराम बनकर जंगल में घूमता रहता। तप, दानव, राक्षस, नाग, देवता, कोई भी उसको परास्त नहीं कर पाता। कोई मनुष्य तो उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण ने जिस धनुषधारी की तुलना भगवान परशुराम जी से की हो, वह कितने शक्तिशाली होंगे आप सोच सकते हैं। बर्बरिक। दोस्तों, बर्बरिक घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास ऐसे तीन बाण थे जिसके सहारे वह पलवर में कुरुक्षेत्र के युद्ध को खत्म कर सकते थे। बर्बरिक के तीन बाणों के बारे में जानकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने दान में बर्बरिक का शीश मांग लिया। इसके बाद से ही खाटू श्याम जी के नाम से इस धरती पर बर्बरिक जी की पूजा होती है। भीष्म पितामह। दोस्तों, भीष्म पितामह गंगा माता के पुत्र थे। उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। एक बार तो अपने गुरु परशुराम के साथ ही भीष्म का युद्ध हो गया था। युद्ध में भीष्म और परशुराम जी एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र शस्त्र चला रहे थे, लेकिन जिसके बावजूद भी इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। आखिर में इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को आना पड़ा। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था, तब भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। भीष्म के बाणों के आगे पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। भीष्म को नियमानुसार युद्ध करके परास्त करना असंभव था, इसीलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को बाणों की संज्ञा पर सुला दिया।